हेलो एवरीवन, उड़ान भरना किसे पसंद नहीं होता है, फिर चाहे वो सक्सेस की हो या फिर एरोप्लेन की। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एरोप्लेन की उड़ान के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही मिस्टीरियस है। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ 4 सितंबर सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513, जिसने जर्मनी के एयरपोर्ट से 92 पैसेंजर के साथ में उड़ान भरी ब्राज़ील एयरपोर्ट तक के लिए। यह सफ़र केवल 18 घंटे तक का था, पर यह सफ़र कब महीनों और सालों में बदल गया इसका अंदाज़ा आज तक कोई नहीं लगा पाया है। कई लोगों ने तो यह तक मान लिया था कि इस फ्लाइट को नीले आसमान ने निगल लिया है। वही फ्लाइट ठीक 35 साल बाद यानी कि 12 अक्टूबर 1989 लैंड हुई वहीं अपने डेस्टिनेशन ब्राज़ील एयरपोर्ट पे। पर जब एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने पायलट से संपर्क करना चाहा तो वहां कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। हिम्मत करके एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के लोग उस फ्लाइट के अंदर गए तो वहां देखकर दंग ही रह गए कि उस फ्लाइट के अंदर कोई इंसान नहीं है, सिर्फ उन 92 पैसेंजर्स के कुर्सी की पेटी से बंधे हुए कंकाल हैं। और जब कॉकपिट में जाकर देखते हैं तो पायलट के भी सिर्फ कंकाल ही मिले। अब ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा पाया है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, पर यह पता आज तक किसी को नहीं लगा है कि वो फ्लाइट कहाँ गई। और जब ये फ्लाइट लैंड हुई तो इसका इंजन इतने सालों बाद भी चालू हालत में मिला। ऐसा कैसे हुआ ये आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए डू हिट द लाइक बटन, और अगर आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय।